आज सावन की दूसरी सोमवारी है, शुभकामना देता हूँ सावन की। साहब हमारे आपके बीच हैं और हम चाहेंगे कि आप साहब की तरफ कैमरा ले जाएं। सभी को प्रणाम। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आजकल थोड़ा चिंतित हूँ, शिव कांड को लेकर नहीं, लोगों में आई सुस्ती को लेकर। शिव चर्चा में मैं देखता हूँ क्या जिज्ञासाएं इधर आई हैं, तो उसका यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। हाँ गौरी बोलिए। कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में गुरु की आवश्यकता नहीं बल्कि अनिवार्यता होती है, फिर भी वर्षों से चली आ रही गुरु परंपरा में लोग अपने जीवन के अनमोल क्षण बिना गुरु के सानिध्य से ही समाप्त कर लेते हैं, ऐसा क्यों? भाई ओम प्रकाश जी, अररिया बिहार। गुरु की आवश्यकता नहीं बल्कि अनिवार्यता है, यही ना है? और तभी लोग बिना गुरु के पूरा जीवन बिता लेते हैं। गुरु की आवश्यकता तो इंसान को पड़ती है भैया। आपके बच्चे स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़े होंगे, आप भी, आपने भी अध्ययन किया होगा, पढ़ाई की होगी। आदमी के साथ है कि उसको सिखलाना पड़ता है। पिछले बार भी शायद मैंने कहा था कि जानवर के बच्चों को फायदा होता है और पानी में आप फेंक दीजिए तो वो कोशिश करता है पानी से निकल जाने की और डूब नहीं पाता है, कम पानी रहेगा तो निकल जाएगा और कुछ दिनों के बाद तो निकल ही जाता है वो, उसको सिखलाना नहीं पड़ता है स्विमिंग, तैरना तैरना। गाय बच्चा देती है, देखा होगा आपने, बछड़ा खुद उठ के अपनी माँ का दूध पीता है, उसको कोई उठा के पिलाता नहीं। तुरंत का बच्चा, नवजात शिशु खुद ही खड़ा होता है और वो दूध। आदमी के साथ ऐसा नहीं, प्रकृति जानती है कि माँ कर लेगी, पड़ोसी कर लेंगे, समाज के लोग कर लेंगे, अगल बगल की व्यवस्था में उसका पोषण हो जाएगा। तो आदमी को सिखलाना पड़ता है। और तीन क्षेत्र है, एक शरीर है, एक मन है और एक अध्यात्म। तीनों क्षेत्र में देखिएगा, बचपन से हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, ये मत खाओ, ऐसे मत रहो, ठीक से रहो, हाथ मुंह धो के खाना खाओ, ये सब ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को और बच्चे सीख लेते हैं। फिर शैक्षणिक का मामला हुआ, शिक्षा का क्षेत्र हुआ, वहाँ भी स्कूल में भेजने की व्यवस्था होती है, बच्चे नहीं चाहते हैं तब भी स्कूल उनको ज़बरदस्ती गार्जियंस भेजते हैं। और अध्यात्म का जहाँ तक क्षेत्र है, ये जीवन जहाँ से आया है और जीवन जहाँ को जाएगा, हम क्या हैं, आप क्या हैं? मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि आप कौन हैं, इसका उत्तर आपके पास नहीं है। आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप हैं कौन? क्या कि मन, कभी कभी आप कह देते हैं कि आज मेरा मन नहीं है, हम बाजार नहीं गए। इसका मन, आप मन नहीं है। कभी कभी आप कह देते हैं मेरी चप्पल टूट गई है, मैं कैसे जाऊं बाजार, तो चप्पल आप नहीं हैं। ठीक उसी तरह से मन भी आप नहीं हैं, क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे, आप मन भी नहीं हैं, शरीर भी नहीं है, पूरे अंग बदल दिए जा रहे हैं चिकित्सा विज्ञान के द्वारा, मेडिकल साइंस के द्वारा। तो आप हैं कौन, हम हैं कौन? इस विधा को जानने का, इस विज्ञान को जानने को कहते हैं अध्यात्म। जो आत्मा का विज्ञान है, जो प्राण का विज्ञान है, उसको अध्यात्म बोलते हैं। इसका भी ज्ञान गुरु ही देंगे। लोग कहते हैं ना कि हमको सब कुछ तो मिले, तो फिर हम काहे के लिए महादेव को गुरु माने या किसी अच्छे गुरु के पास जाएं? एक्चुअली आपको जितनी समझ है उतना में मिला। जंगल के एक विद्यार्थी को, छोटे बालक को जो विद्यालय जा रहा है, आप उससे पूछिए, मैंने पूछा है, मैं वीडियो रहा हूँ जंगलों में, पूछिए उससे कि बहू आप पढ़ के क्या बनोगे, तो बोलेगा, मुझको जो उत्तर मिला बोलेगा, हम सर फॉरेस्ट गार्ड बनेंगे। कहे कि वो देखता है कि जब वन रक्षक आता है, फॉरेस्ट गार्ड आता है, तो उसको खाट दी जाती है, मक्खन और रोटी खिलाई जाती है, जंगलों में जो होता है। उस बच्चे को जरा पढ़ने दीजिए, तो उसको शैक्षणिक ज्ञान में आगे बढ़ने दीजिए, तो
कॉलेज जाते जाते वो कहेगा मैं IAS बनूंगा, मैं IPS बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। और छोटा सा बच्चा जो फॉरेस्ट गार्ड बनने की बात बोल रहा है बचपन में, अब उसकी बुद्धि ज्ञान उसको आया है और वो ऊपर की बात कर रहा है, वो ऊंचाई की बात कर रहा है। तो गुरु भी यही करते हैं। तो गुरु की अनिवार्यता तो है ही, और कुछ तो लगता नहीं है शिव को गुरु मानने। और गुरुओं की बात तो मैं नहीं जानता, मैंने भी बहुत 20-21 गुरु माने हैं बचपन में। शिव को गुरु मानने में तो कुछ लगता ही नहीं है, मात्र आपकी सोच है, मात्र आपका चिंतन है। जैसे सोचते हैं आपके उसको मित्र बनाएंगे और मित्रता हो जाती है। सोच को खाली भूलिए मत। आपने सोचा कि पड़ोसी से हम दोस्ती करेंगे, दोस्ती हो जाएगी, लेकिन दोस्ती को निभाइए तब ना दोस्ती। तो शिव को भी गुरु मानना बड़ा आसान है। मन ही मन सोच लिया कि आज से मेरे गुरु शिव होंगे, महादेव होंगे। महादेव शिव में कोई अंतर है नहीं, जो मंदिरों में पूजा जाता है वही गुरु है। तब उनको गुरु मान लीजिए और इस बात को भूलिए मत। बस वाली दोस्ती, ट्रेन वाली दोस्ती है नहीं करिए। रात भर की दोस्ती है और सुबह दोस्ती साफ। वो कहाँ गया, आप कहाँ गए, कोई मतलब नहीं। और रात में तो खूब दोस्ती थी, बस से उतर उतर के चाय पी रहे थे 3-3 बार। वैसी दोस्ती कम से कम मत करिए, करिए तो ठीक से करिए, नहीं तो मत करिए। तो अपने गुरु से भी मित्रता करिए, वो तो आपके मित्र हैं ही, वो आपके सखा हैं ही, आपके मित्र वो साथी हैं ही। वो रिश्ता जोड़िए, शिष्य का रिश्ता जोड़िए, उसको निभाइए और आप खुद बखुद देखेंगे। कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि परिणाम आते हैं, रिजल्ट आता है। और जब कोई साथ नहीं देता है, ऐसे क्षण जिंदगी में बहुत आते हैं, तो वो शिव ही साथ देता है, उसकी दया ही काम। नेक्स्ट। मगन रजनी जी नवादा बिहार में लिखा है, साधुता कहती है रहना नहीं देश वीराना है, तो फिर जागतिक सुखों के लिए इतनी भागदौड़ क्यों? साधुता कहती है कि रहना नहीं देश वीराना है, बिल्कुल सही। साधु ये मुर्दों का गांव कबीर भी बोल गए। तब भी ये जागतिक सुखों के प्रति इतनी भाग दौड़ क्यों? वह परमात्मा, वह ईश्वर समझिए इसको, वह शिव, जीव भाव के चलते अंशों में आया है हमारे आपके और जगत के रूप में। जीव जगत से जुड़ा है, जागतिक आकर्षण होंगे तभी वो जीव होगा, उसके अपने कर्मफल होंगे, कर्म बंधन होंगे उसके। तो स्वाभाविक रूप से जगत का आकर्षण तो होगा ही होगा उसको। बल्कि एक शब्द इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जीव में जगत का आकर्षण, अपने जीवन का आकर्षण, अपने शरीर के प्रति आकर्षण, अपनी सुरक्षा के प्रति उसका उसकी संवेदना रहेगी ही रहेगी। जीव के रूप में जगत में आया, लौकिक आकर्षण तो रहेंगे। इसी लौकिक आकर्षण में धीरे धीरे गुरु पारलौकिक आकर्षण पैदा करते हैं। सही जो गुरु होगा, एक बैग नहीं करेगा, एक बैग करेगा तो साधु हो जाएगा, परिवार छूट जाएगा उसका, समाज छूट जाएगा उसका, व्यवस्था उसकी टूट जाएगी। गुरु धीरे 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 उसी जीव भाव के में शिव भाव का अंकुरण करते हैं। जो सीड है हमारे आप में, शिव का अंश तो है ही, शिव भाव का अंकुरण करते हैं और तब धीरे धीरे लौकिक आकर्षण घटते हैं। एक आकर्षण जहाँ पड़ेगा दूसरा आकर्षण घट जाएगा। जहाँ एक आकर्षण कोई विशेष हमारे आपके मन में बढ़ा, अन्य आकर्षण को घटा देगा। शादी के बाद क्या होता है, लड़के को माँ बाप क्या कहते हैं अमूमन? ये तो बहरारू का गुलाम हो गए लो जी, कुछ नहीं हुआ। पत्नी के प्रति थोड़ा आकर्षण बढ़ा तो लोगों को लगने लगा कि तब मेहरारू के गुलाम हो गए। एक आकर्षण जहाँ बढ़ा, तीव्र हुआ, कि अन्य आकर्षण को दाबेगा। तो शिव का आकर्षण जैसे जैसे गुरु बढ़ाते हैं, उसको पुष्पित पल्लवित करते हैं, उसको जैसे जैसे बढ़ाते हैं, वैसे वैसे जगत जो है आपको ठिंगना लगेगा, बोना लगेगा, काम भर लगेगा कि काम करो, निकलो यहाँ से, सर रहना नहीं देश गिराना है।
जितनी आवश्यकता है उतना से काम करो यार, आवश्यकता से अधिक रखना तो कोई होशियारी नहीं है। क्या कि समन्वयता हम रख लेंगे अपने नहीं है। जी भाव रहेगा ही रहेगा, गुरु की शरण में शिव भाव के लिए जाना ही जाना होगा, और तब धीरे धीरे धरती की भागदौड़ घटेगी, अन्यथा हाय हाय रहेगा। आदमी बेचैन रहेगा जगत की ओर, जगत तो गुजर रहा है, गुजरती चीज़ को क्या पकड़िएगा, पकड़ाएगा ये, हम आप भी जा रहे हैं, ये पकड़ाएगा नहीं, और अस्थाई को पकड़िएगा, जगत अस्थाई है, आज पेड़ हैं कल नहीं रहेंगे, आज मकान है परसों खंडर हो सकते हैं, वो चीज़ें नहीं रहेंगी, हम आप भी नहीं रहेंगे। तो टेम्पररी अस्थाई को जब आप पकड़ेंगे तो आप भी अस्थाई होंगे, जब अस्थाई को पकड़ेंगे, ध्रुव को पकड़ेंगे, जब ईश्वर को पकड़ेंगे, शिव को पकड़ेंगे, तो आपका भी जीवन अस्थाई होगा। अभी आपने कोट कर दिया कबीर साहब को, राना नहीं देश वीराना है, वो आदमी शरीर में नहीं है, ये हमारे आपके लिए नहीं मरा। देखिए उसने अस्थाई की बात की, अस्थाई से जुड़ने का प्रयास किया, आज भी वो अस्थाई है, शरीर में रहना नहीं रहना कोई मानी रखता नहीं है, वो आज भी हमारे आपके बीच में है, आप उसको कोट कर रहे हैं, हमने कोट किया, साधु ये मुर्गों का गांव, उन्हीं के लाइन। भाई पवन जी बांका बिहार में लिखा है, सिर्फ गुरु के शिष्यों के लिए पारंपरिक शिक्षा आवश्यक नहीं है, क्यों? शिव शिष्यों के लिए पारंपरिक दीक्षा आवश्यक नहीं है, क्यों? दीक्षा का मानी क्या होता है? दीक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी में बड़ा सुंदर इसका अर्थ है, शब्द भी इसके बड़े अच्छे हैं अंग्रेजी में। इनिशिएशन, दीक्षा की अंग्रेजी होती है इनिशिएशन, टू इनिशिएट, टू स्टार्ट। दीक्षा का मानी होता है आपको शुरू करना है। अब जैसे बच्चे को शुरू कराते हैं दीक्षा, शैक्षणिक दीक्षा होती है ना, कलम पेंसिल स्लेट लेकर के ओ लिखवाइए, ओम लिखवाइए, जो लिखवाइए, ये स्टार्ट हुआ। तो जब बहुत पावरफुल गुरु होगा, जब शिव ही गुरु होंगे, तो कागज कलम से वो आपकी दीक्षा का प्रारंभ नहीं करेंगे, कान में उनको फूकने की जरूरत नहीं है। पहले भी अच्छे अच्छे गुरु जो हुए हैं वो कान में कहाँ फूकते थे, शक्तिपात दीक्षा होती थी, कहीं गुरु कहीं है, शिष्य कहीं है, और वहाँ से दीक्षा हो गई, मानसिक दीक्षा हो गई, आध्यात्मिक दीक्षा हो गई, दीक्षा होती है संकल्प दीक्षा। हालांकि इसका प्रयोग किताबों में नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ संकल्प दीक्षा, आपके संकल्प है कि मैं शिव को गुरु मानूंगा, नाउ आई विल स्टार्ट विथ, मैं आज से कोशिश करूंगा कि शिव मेरे गुरु रहें और मैं इसको भूलूंगा नहीं, इस बात को, क्या मी नटराजे चेला, मैं शिव का शिष्य हूँ, यही दीक्षा का प्रारंभ है। दीक्षा शुरू हो गई अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा शुरू हो गई, अब से ब्रह्म की जिज्ञासा, था तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब से ब्रह्म की जिज्ञासा, अब से खुदा की ओर चलना, अब से भगवान की ओर चलना, अब से शिव की ओर चलना, गुरु मान के बढ़े आप, डिसीजन, संकल्प दीक्षा। और इस संकल्प दीक्षा में आप ही को सब कुछ करना है, पारंपरिक दीक्षा कहाँ से आ गई, पहले होती होगी, अभी भी होती होगी, लेकिन शिव जब गुरु होंगे तो संकल्प दीक्षा होगी, संकल्प यानी डिटर्मिनेशन, और ये आपका संकल्प होगा ना, गुरु तो अब गुरु है ही, शिव को गुरु मानने से गुरु थोड़े ही बनेंगे, वो तो गुरु हैं, हमको उनका शिष्य बनना, तो संकल्प दीक्षा, मैंने संकल्प किया है कि शिव मेरे गुरु, बस यही संकल्प, और इससे संकल्प से ही खड़े होते हैं। आपने संकल्प ले लिया कि ये मेरी बहन है और इस पर खड़े रह गए, रिश्ते फलते भूलते रहेंगे। मन का संकल्प मन लेता है, तो पारंपरिक दीक्षा की जरूरत क्या, संकल्प। बहन राधा जी और बहन वीना जी मुंबई से लिखी है, सिर्फ शिष्यता में शिव के पद पर निस्वार्थ भाव से चलने के बावजूद मन क्यों भटक जाता है? निस्वार्थ भाव से शिव शिष्यता में चलने के बावजूद मन क्यों भटक जाता है, ये ना जी,
ससुरा बानर को कितना हूँ ट्रेनिंग दे दीजिए, चुलबुल कर बे करेगा। आपने देखा हो या नहीं देखा हो, मैंने देखा है। खंबे में बंदर बंधा हुआ है, चेन में पालते हैं लोग, और कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है, चिड़िया तक नहीं है। मैं दूर बरामदे के कोने में बैठा हुआ हूँ, बहुत बड़ा हाथा है, एक बंदर भी पोल पर बैठा हुआ, पोल पर तख्ता लगा दिया था बैठने के लिए, उसके बैठा हुआ। ससुराल एक मिनट चैन से नहीं था, कभी इधर हाथ लगावे, कभी उधर हाथ लगावे, कभी इधर हाथ लगावे, कभी इधर हाथ लगावे, यही हमारा आपका मन। भारत के मनीषी कहते हैं, भारत के साधु समझाते हैं, कहते हैं वो कि एक बंदर ले लीजिए भाई साहब, उसको भर पेट शराब पिला दीजिए, और उसके बाद हजारों बिरनी से हड्डा से जी, बिरनी बुझते ही होंगे, बिहार के हैं तो बुझते ही होंगे, लेकिन बम्बई से सवाल है ना, वो लोग बुझता हो, वो पीला पीला लाल लाल जो होता है कीड़ा, जो काटता है तो बड़ी भीड़ से जाता है, एक 2000 बिरनी से उस बंदरा को कटवा दी। तब बंदर जैसा करेगा भर पेट शराब पीने के बाद, बिरनी से कटवाने के बाद, वैसा होता है आदमी का मन। आदमी के मन की का उदाहरण उपनिषद ऐसा ही देती है। तो आप कह रहे हैं कि मोहन महादेव की ओर चल रहे हैं, तब बहु आ रहा है, साला बहु ही करेगा, इसको कहीं फंसाइए, महादेव से टाँका इसका फंसेगा यानी जुड़ेगा, तब ही शांत होगा, वो भी हलचल करेगा ही, चुलबुल करेगा ही। इसलिए घबराइए नहीं, शिव से जुड़ने का प्रयास करिए, धीरे धीरे ये एक बग्घा हो जाएगा, शिव की ओर ही चलेगा, शांत हो जाएगा। नेक्स्ट, भाई कमलेश जी दरभंगा बिहार से लिखे हैं, सिर्फ शिष्यता का मुखौटा पहनकर भी व्यक्ति मूल उद्देश्य से वंचित क्यों है? जिस भाई ने सवाल पूछा है, उनके सवाल ही में गड़बड़ है। शिव शिष्यता का मुखौटा पहन के, आदमी है बंदर का मुखौटा पहन लीजिए तो क्या होगा? बंदर के लक्षण तो आएंगे नहीं, जितना देर दिखाना है बंदर ऐसा दिखाइए, लेकिन मूलता तो नहीं आएंगे। बंदर है, आदमी का मुखौटा पहना दी तो कुछ देर तो नौटंकी कर सकता है आदमी की, फिर तो बंदर है। तो जब कोई शिव शिष्य होके मुखौटा ही पहन लिया, शिव शिष्यता का नहीं होके शिव मुखौटा पहन लिया, यानी ड्रामा कर रहा है वो, तब तो गड़बड़ी होगी ही होगी। कहे कि आप दुनिया को उल्लू बना सकते हैं, हम आपको उल्लू बना सकते हैं, शिव को उल्लू नहीं बना सकते, अपने आप को उल्लू नहीं बना सकते, जनता को बना सकते हैं, अपने आप को नहीं बना सकते। मुखौटा नहीं, सही में शिव से बनिए, मुखौटा उतारिए अगर पहनते हैं तो, या जो भी पहनते हों, शिव से का मुखौटा उतारिए और शिव से बनिए। मुखौटा धैर्य नहीं चलेगा, हमने जीवन में बहुत देखा है, आसमान के लोगों को भी देखा है, ये मुखौटा पहनते हैं ठगने के लिए, लेकिन एक दिन तो पोल खुली ही जाती है। आज जब रंगा सियार बनिएगा, तिरंगवा कितना देर रहेगा, उतर जाएगा भाई जी। भाई अमर जी मुजफ्फरपुर में लिखा है, त्रिपुंड क्या है जो लोग माथे पर तिलक के रूप में लगाते हैं? त्रिपुंड क्या है? वो ऐसे गिरा हुआ कि ऐसे खड़ा, खड़ा त्रिपुंड जो है तंत्र में उसको कहा जाता है कि ये साधक की शक्ति है, एक गुरु की शक्ति है और एक मंत्र की शक्ति है। साधक की शक्ति है जो लगाए हुए उसकी शक्ति है आध्यात्मिक, दूसरी जिस मंत्र जो तो मंत्र उसका प्राण मंत्र है, जो इष्ट मंत्र है उसका, उसकी शक्ति है, और तीसरी उस मंत्र के देवता की शक्ति, इसी को त्रिपुंड बोलते हैं। 108 से जुड़ा हुआ है ये, 108 111 हो जाता है, वही 111 है। चलो भाई राम प्रवेश जी काठमांडू नेपाल लिखे हैं, क्या शिव को गुरु मानकर सभी शिष्य हो गए हैं?
क्योंकि शिष्यता तो अब हमारे व्यवहार में प्रतीत ही नहीं होगी। सवाल कहाँ है इसमें? शिव को गुरु मान के क्या सभी शिव शिष्य हो गए हैं, किंतु शिव शिष्यता हमारे व्यवहार से दिखती ही नहीं? सवाल कहाँ हुआ? बिल्कुल सही बात है, शिव को गुरु मान लिया तो आप शिव शिष्य हो गए। आप किसी को बहन मान लिया, किसी को भाई मान लिया, किसी को बेटा मान लिया, तब आप हो गए भाई हो गए आप। अब बेटवा भूखे मर रहा है, रसगुल्ला बाप चाप रहा है और कहता बहू तू हमार बेटा हवा जी, नहीं जी। हम देखा है एक आदमी हमको बेटा बेटा कहता था, गाड़ी में बैठा हुआ था, नाम नहीं बताएंगे बड़ी लोग मारेगा, सलांगूर खरीदा, हम उसमें कॉलेज में पढ़ते थे, पटना कॉलेज में, लॉ कॉलेज में, अंगूर खरीदा 1 किलो, गाड़ी लंबा सफर था, 1 किलो खा गया, हम बगल में बैठे हुए थे, साले 1 अंगूर के लिए नहीं कुछ। हाँ, और आप जितना आदमी बैठे हैं सब उस आदमी को जानते हैं, अभी मरा नहीं है, जिंदा है, मरने वाला है। तो देखिए ये बेटा बेटा कह के तो आप बाप नहीं बन गए, आपके आचरण में नहीं आया, आपके भाव में वो बेटा नहीं है। यानी बेटा शब्दों में है, संबोधन में है, संबंध में नहीं है। शिव गुरु संबोधन में है, शिव गुरु शब्दों में है, संबंध में नहीं है। संबंध होंगे तो संवेदनाएं होंगी, और जब संवेदनाएं होंगी तो आचरण में आ जाएगा। कहा जाता है प्रीत छुपे ना पीठ दिखाए। अगर किसी से आपको प्रेम है, उसकी ओर पीठ करते हुए बैठे हैं, तो लोग कह देगा दोनों आपस में मोहब्बत करता है, दोनों आपस में प्रेम करता है, तब वो देखो पीठ घुमा के बैठा हुआ। प्रीत छुपे ना पीठ घुमाए। अगर शिव से आपको शिष्यता का संबंध है, प्रेम का संबंध है, ये संबंध है, तो आपके आचरण में आएगा। ड्रामा आप धीरे धीरे बंद करने लगेंगे, नौटंकियाँ बंद होने लगेंगे जगत की, और शिव भाव आप में उतरने लगेगा, आप साधु नजर आने लगेंगे लोगों को, साधुता आप में आने लगेगी। शिव परम साधु हैं, उस साधुता की पराकाष्ठा है, साधुता आप में आने लगेगी। धीरे धीरे जगत का आकर्षण घटने लगेगा, व्यवहार में साफ पता चल जाएगा कि शिव शिष्य है, ये हाय हाय नहीं करेगा, जानता है कि जितना से पेट भर जाए उतना ही ठीक है, कि मुर्गा मटन खाने से खाने के लिए मार नहीं करेगा, भात मिल गया, चोखा मिल गया, खा लिया, निश्चिंत है वो। चलिए नेक्स्ट। राजकुमार जी बक्सर बिहार ने लिखा है, साहब चल जाता है तो और अच्छी बात है, चलने दीजिए। अरे सांस पर श्वास पर नमः शिवाय का जप और माला पे नमः शिवाय का जप। हमने कहा कि भैया एक बार रिक्शा, एक बार कार पर दो टांग मत रखो, या तो नमः माला कर लो तब नमः शिवाय करो सांस पर, या पहले नमः शिवाय कर लो तब माला पर 108 बार करो। तो सांस पर नमः शिवाय आपका चलने लगता है जब आप रुद्राक्ष की 108 माला पर मंत्रों का मनन करते हैं। जब चले दीजिए उसे क्या आएगा, वो तो खाना भी खाएगा तो चलेगा, लेटरिन भी जाइएगा तो नमः शिवाय सांस पर चलेगा, तो लेटरिन महाभूर्वक हो भाई। नेक्स्ट। भाई परमेश्वर जी सहरसा ने लिखा है, साहब का स्वास्थ्य कैसा है? जीवात्मा से जुड़ी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्थितियां एवं माध्यमिक शिष्य भाव में प्रतिष्ठित मनुष्य आत्मा को शिव गुरु जी के दया के वसात शिवोन्मुक्त करने लगते हैं। मेरी प्रार्थना है शिष्य भाव में प्रतिष्ठित मनुष्य आत्मा का तात्पर्य क्या है, साथ ही हम सबों के माध्यम स्वयं साहब श्री हैं, फिर हम लोगों से कहाँ गलती हो रही है कि हम लोग शिष्य भाव में प्रतिष्ठित नहीं हो पा रहे हैं, दया करने की कृपा की जाए। पहले तो भूल ये हुई कि माध्यम साहब हैं, तब हम लोग शिष्य भाव में शिष्य भाव में प्रतिष्ठित नहीं हो रहे हैं। ससुरा हमको मार्गदर्शक मानेगा तो गुरु के प्रति शिव के प्रति मार्गदर्शक ये भाव कहाँ से आवेगा? गजवाले गाय बैलू आपको माइल नजर आवेगा, गजवाले अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है।
आप शिव शिष्य हैं तो शिव को क्यों ना भाव दीजिएगा, उनको ना मार्गदर्शक मानिएगा, उनको ना रास्ता बताने वाला मानिएगा, हैरान कहाँ है। मैंने तो कहा ये भैया मैं हूँ अगुआ हूँ ब्याह कराने वाला, ब्याह हो गया अगुआ अपने घरे बैठा हुआ बैठा ही हुआ हूँ घर पर, आप अपना पत्नी के साथ इत्मीनान से हैं, शादी हो गई है, आपको मैंने शिव गुरु का रास्ता बताया, तीन सूत्र दिए कि जुड़िए आप, अब हमने पीछे कहा पड़ रहे हैं भाई साहब, मैं मार्गदर्शक नहीं हूँ, शिव सीता मैं कहीं नहीं हूँ, मैंने तो आपको सूचना दी रास्ता बताया, जहाँ आप चाहते हैं कि यहाँ गड़बड़ हुआ है या हो मैं क्या करूँ, तो मैं कहता हूँ ऐसा नहीं करिए, क्योंकि मुझ मेरा अनुभव आपसे ज़्यादा है। तो शिव को गुरु मानिएगा, शिव को अपने टारगेट में रखिएगा, तब ना शिष्य भाव जगेगा, तब ना शिव भाव आएगा। आप हमको मार्गदर्शक मान लीजिएगा तो बीच में गड़ा जाएगा, ताकि मेरे मार्गदर्शक खुद ही शिव हैं, तो जितना हमको उन्होंने बताया उतना तो मैं बता दूंगा, लेकिन दया तो वहीं से मिलेगी ना भैया, हम एक गिलास पानी आपको दिया रहे हैं पीने के लिए, ससुरा हमारे बाप का पानी है, वो चापाकल का भी पानी है, ठीक है मेरे हाथा में ही है, ये पानी तो जमीन का है यार, चापाकल का पानी थोड़ी होता, कुएं का पानी थोड़ा ही होता, ये बोरिंग का पानी अपना थोड़ी है, मशीन है वो, पानी तो जमीन का होता है, दया तो उस गुरु की होती है, कोई लेके गिलास दे दे, एक चम्मच दे दे, एक कटोरी दे दे, लेकिन व्यवस्था तो आपको परमानेंसी की करनी होगी, शिव से जुड़ना होगा और बीच से हमको हटाना होगा और शिव से जुड़ना होगा। मैं जितना कहता हूँ उसके बाहर जाइएगा तब तो नहीं चल सकेगा, लेकिन उसके भीतर आपको खुद चलना होगा, शिव गुरु से जुड़ने का प्रयास करें।